दोस्तों कुछ गुंडे लड़की को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। वहां पे एक लड़का बैठ के कुंग फू कराटे वाली पिक्चर देख रहा होता है और वो पिक्चर देखने के बाद उसको बहुत ताकत सी महसूस होती है। उसको लगता है कि अब मैं लोगों को मार सकता हूँ। और तभी उसको वहां पे गुंडे दिखाई दे जाते हैं जो लड़की को ले जा रहे होते हैं। तो वो उन गुंडों के रस्ते पे खड़ा हो जाता है और जैसे गुंडे बाजू से निकलते हैं वो इशारा करके उन गुंडों को बुला लेता है। तो एक एक करके गुंडे आके उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वो लड़की को लगता है कि ये लड़का बचा लेगा और वो लड़का अपनी कुंग फू कराटे की टेक्निक दिखाने लगता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है कि आप लोग भी हैरान हो जाओगे देख। तो जैसे ही वो गुंडे के पास जाता है गुंडा उसको एक थप्पड़ मार देता है और दूसरा वाला गुंडा भी उसको दूसरा थप्पड़ मार देता है। और जैसे ही गुंडे उसको पकड़ के ढकेलते हैं वो वहां से जाने लगता है और थोड़ी सी आगे जाने के बाद वो दौड़ लगा देता है डर के। दोस्तों ये गरीब लड़का रोड के किनारे बैठ के भीख मांग रहा होता है लेकिन आसपास से जितने भी लोग जा रहे होते हैं कोई भी इसको भीख नहीं देता है और ये लड़का बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहां पे एक लड़का निकलता है जिसके हाथ में गोल्डन प्ले बटन होती है यूट्यूब की। वो उस लड़के को देखता है और बहुत दुखी होता है और अपनी प्ले बटन उसके पास रख देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में जितने भी लोग वहां से गुजरते हैं सबके सब उसको पैसे देने लगते हैं, उसके पास पैसे रखने लगते हैं और ऐसा करते करते उसके पास खूब सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। तभी वो लड़का वहां से वापस आता है और देखता है कि हाँ उसके पास खूब सारा पैसा आ गया है। और तब वो जाके अपनी गोल्डन प्ले बटन उठाता है वहां से और वो लड़का उसकी तरफ बड़े प्यार से देखता है और उसको आधे पैसे देने लगता है। पर वो लड़का आधे पैसे लेता नहीं, अपनी गोल्डन बटन लेके वहां से चला जाता है। दोस्तों ये लड़का सफाई करने के लिए घर में जाता है और उधर के मालिक दरवाजा खोलते हैं और उसको समझा देते हैं कि इस पूरे घर को साफ करना है। वो लड़का लग जाता है सफाई करने में और वहां पे एक लड़की बैठी हुई होती है। वो देखती है उस लड़के को और वो लड़का बहुत ज्यादा मेहनत करता है और पूरा घर साफ कर लेता है। तभी वो लड़की एक कप फेंक देती है उसकी तरफ और वो लड़का उठा के उसको डस्टबिन में डाल देता है और वो साफ करने लगता है दरवाजा। तभी उधर पे उसका मालिक आता है और उसको पैसे दे देता है। वो पैसे रख लेता है जेब में और फिर आती है वो लड़की और बैठती है। जैसे ही वो कुर्सी पे उसका आईपैड जमीन पे गिर जाता है और जब वो लड़का आईपैड उठा के उसको देने लगता है तो वो आईपैड की स्क्रीन टूटी हुई दिखती है। और तभी उसके मालिक आ जाते हैं और वो लड़की पूरा का पूरा नाम उस लड़के पे लगा देती है कि उसने आईपैड गिरा दिया और तोड़ दिया। मालिक उससे पैसा छीन लेता है और उसको बाहर निकाल लेता है घर के। वो लड़की अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है और वो लड़के को बाहर निकाल दिया जाता है घर। दोस्तों आज इस लड़के का जन्मदिन है और सारे के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, ताली बजाते हैं और जैसे ही ये केक की मोमबत्ती फूंकता है सारे के सारे लोग इसको अच्छे अच्छे महंगे महंगे गिफ्ट्स देने लगते हैं और ये लड़का बहुत खुश हो जाता है। तभी वहां पे एक लड़का आता है जिसके हाथ में ब्रेसलेट होता है और उसको देख के सारे के सारे लोग हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और वो लड़का आता है और टेबल पे अपना ब्रेसलेट रख देता है जो कि उसने अपने हाथ से बनाया है और ये लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसके ब्रेसलेट का मजाक उड़ाने लगते हैं और वो लड़के को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो उदास होकर वहां से जाने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है कि आप लोग का दिमाग चकरा जाएगा, आप लोग हैरान हो जाओगे देख के। उससे पहले दोस्तों अपनी माँ के लिए तो सभी लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, देखना यह है कि अपने मेहनती पापा के लिए कौन लाइक और सब्सक्राइब करता है। मैंने तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लिए हैं, आप लोग भी कर लीजिए। तो जैसे ही वो लड़का जाने लगता है उसके पीछे चला जाता है ये छोटा लड़का और उसको ब्रेसलेट देता है और थैंक यू बोलता है और गले लगा लेता है।